नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भिवानी में कोरोना को लेकर के प्रशासन हुआ सख्त। कंटेनमेंट जोन बनाए गए और कहा लोगों के लिए सुरक्षा के लिए सख्ती की जरूरत थी, इसलिए की गई है। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। भिवानी में कल लगातार 40 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्हें उपचार के लिए भिवानी के सामान्य अस्पताल व लोहानी में भर्ती करवाया गया। जिले में अब तक 223 कोरोना केस पाए गए हैं, जिसमें से एक्टिव केस 141 हैं और अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आज CTM सुरेश कुमार ने कंटेनमेंट जोन का दौरा किया और इसी दौरान GVTL मिल को भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया कि GVTL में काम करने वाले काफ़ी सारे मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने बताया कि भिवानी में ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और उसका कारण यही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं DC ने कई अधिकारियों को भी चालान काटने की शक्तियां प्रदान की है। आज स्वास्थ्य विभाग ने भी जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनके संपर्क के लोगों के सैंपल लिए गए। CTM ने बताया कि 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और जिसमें 31 कर्मचारी GVTL मिल में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसलिए मिल को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया। अगले आदेश के बाद मिल को खोला जाएगा। वहीं शहर थाना प्रभारी रविंदर कुमार ने बताया कि कंटेनमेंट जोन जहां बनाया गया है वहां DC के आदेशों के तहत आने और जाने की सख्त मनाही है। लोगों को बार बार यही कहा जा रहा है कि वे सरकार की हिदायतों को माने। अब देख रहे हैं पर्पल की विशेष रिपोर्ट। कंटेनमेंट जोन जो है भिवानी के अंदर बनाया गया। भिवानी में जैसे कि आपको पता ही है कि काफ़ी संख्या में अभी कोरोना पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए प्रशासन सतर्क है और हर जगह पे हमने बेसिकली नाके लगाए हैं। जैसे कि अभी हमारा कंटेनमेंट जोन हमने कल ही घोषित किया है, हमारा जिस एरिया को जो GVTL एरिया है इसमें कई कॉलोनीज हैं, जैसे BTM लाइन है आपका, चिरंजीव कॉलोनी है, तो ये ODC कॉलोनी की तरफ जितने तो जितने भी हमारे अफेक्टेड एरियाज हैं उनको हमने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और उसके लिए बाकायदा हमने प्रॉपर नाके उनको मूवमेंट को एग्जिट और एंट्री को चेक करने के लिए नाके लगाए जा चुके हैं। जहाँ तक के प्रशासन का सवाल है कि जो सरकार की तरफ जो डायरेक्शंस है, MHA की जो डायरेक्शन है उनको प्रॉपरली कंप्लाई किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी भी जो है अनलॉक का फायदा ना उठाएं। जो अनलॉक लगा घोषित किया गया सरकार के द्वारा, आपको केवल आवश्यक जो कार्य हेतु बाहर आप निकलें और प्रॉपर आपका सेफ्टी के मेजर्स अवश्य अपनाएं, मास्क अवश्य पहने, अपने बार बार हाथ धोते रहें और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म है सरकार के द्वारा घोषित है उनको आप पूर्ण तरह से पालना करें ताकि कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। तो प्रशासन बार बार अपील कर चुका है, सड़कों से बहुत करता है, लेकिन फिर भी देखा गया कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, बाजारों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। इसको लेकर के कोरोना के मामले भिवाने के अंदर काफ़ी संख्या के अंदर बढ़ गए, कल जिस प्रकार से 40 मामले आए जी, इसको लेकर कुछ नया कुछ प्रशासन करने जा रहा है। इसके लिए जो मूवमेंट हो रही है उसके जो विदाउट मास्क है तो उनके लिए चालानिंग हमारे द्वारा की जा रही है। माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा काफ़ी सारे अधिकारियों को चालान करने के लिए सक्षम यानी को शक्तियाँ प्रदान की जा चुकी है, तो हमारी लेकिन प्रशासन अपना रोल तो प्ले कर रहा है, लेकिन जो हर एक नागरिक है वो भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करे और अपना बचाव करे और अपने परिवार का बचाव करे और समाज का बचाव करे। सर, कंटेनमेंट जोन की अगर बात करें भिवानी के अंदर कितने कंटेनमेंट जोन प्रशासन के द्वारा? अभी भिवानी शहर में हमारे 3 कंटेनमेंट जोन अभी तक चले हुए हैं और इस तरह से अगर कोई और हॉटस्पॉट आता है तो उसको भी हम गठित कर दें, कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। GVTL जो मिल थी उसमें काफ़ी एम्प्लॉय भी काम करते हैं जी, अधिकतर मामले भी वहाँ के आए हैं, तो उनके लिए कोई व्यवस्था की सब GVTL कल GVTL का जो हमारी जो सैंपलिंग आई है तो 27 कोरोना पॉजिटिव केस GVTL से कर्मचारी के, उससे पहले 4 हमारे कर्मचारी और GVTL के थे, तो इस प्रकार टोटल अब तक 31 जो केसेस हैं वो कोरोना पॉजिटिव के GVTL से आ चुके हैं। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए GVTL को हमने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और इसको जो कार्य जो इसका जो इसको बंद कराने के निर्देश दिए गए जब तक अगले आदेश ना हो जाते हैं। सर, सैंपलिंग की बात की जाए तो GVTL में बहुत सारे कर्मचारी जी जी हालांकि सख्ती साहब को भी बता रहे पॉजिटिव आ चुके हैं जी, तो वहाँ जितने एम्प्लॉई हैं उन सबका भी क्या टेस्ट होगा? अभी हमारी जो सैंपलिंग है कर्मचारियों की उछली हुई है, सैंपलिंग का भी एक तरीका होता है, प्रायोरिटी बेसिस पे जो हमारे जो पॉजिटिव केसेज आते हैं तो एक तो उनके जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी सैंपलिंग होती है, इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति जिसमें कुछ आपके संक्रमण के आसार जैसे कि किसी को खांसी है, जुकाम है या फिर गला बंद है, तो इस तरह जो भी पॉजिटिव बंदे हैं जो सिम्टोमेटिक हैं तो उनका भी सैंपलिंग जारी है। अब तक हमारा जो BTM स्कूल है इसी कॉलोनी में उनकी सैंपलिंग हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो सैंपलिंग कर रही है, 91 व्यक्तियों के सैंपल हो चुके हैं और जारी है।
सर सख्ती बरतने की जरूरत पड़ी अगर महामारी रोकने के लिए तो प्रशासन सख्ती के लिए तैयार है? निसंदेह अगर कोई और पर्चा दर्ज करने का या फिर कोई और सख्ती की आवश्यकता होती है तो निसंदेह वो जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। एक तरह जेबीटीएल के जो अभी कोई व्यवस्था नहीं है कि भाई उनको जो उनका जो आरोप है कि भी कुछ चाय पानी खाना नहीं मिलता, इस तरह कुछ नहीं है। प्रशासन ने सभी व्यवस्था उनके लिए कर रखी है। जहाँ तक के मेडिसिन का सवाल है तो मेडिसिन भी हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी टीमें व्यवस्था कर रही है। बेसिकली इसमें आपका हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट है और आपका जो पैरासिटामोल है या फिर जो इस तरह की जो दूसरी जो आपकी मेडिसिन है वो उनको प्रोवाइड की जा रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लेबर कॉलोनी में वो लग रही है बात, तो बीटीएम की जो कार्ड है वो लग रही है ला रखी है बीटीएम मिल के कुछ यहाँ बीटीएम मिल को बिल्कुल बंद करा दिया गया है और इसके साथ लगते एरिए को भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यहाँ 3 नाके लगा दिए गए हैं और सभी नाकों पर फुल स्कोर लगा दी गई है। यहाँ आवाज आवाज बिल्कुल ही बंद कर दी गई है। सर क्या मानते हैं कि किस तरह से लोगों को क्या कहेंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ना रखने के कारण? हालांकि आप बार बार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों को बार बार अपील की जा रही है भाई सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें और घर से बाहर नहीं निकलें। बहुत ही ज़रूरी है जब भी घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर इस प्रकार से कंटेनमेंट जोन की वस्तुएं खाद्य पदार्थ की व्यवस्था किस प्रकार से लोगों की? जो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है उसके अंदर जो भी दुकानें हैं वो सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी और जो मेन गलियां हैं उनको बंद कर दिया गया है। कॉलोनी वालों को जाने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। अरे आ गए सर, कोई बात आओ ना तो आपका ही है।